हमने दुआ किया ये अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। दुआ किया अल्लाह से अतीक अहमद अशरफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लांड वे में मारा गया, योगी सरकार ने उनको प्लांड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट मीडिया सरकार पुलिस सबका हाथ है इसको मरवाने आज हमने तो रखा ये अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से अतीक अहमद अशरफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लांड वे में मारा गया, योगी सरकार ने उनको प्लांड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट मीडिया सरकार पुलिस सबका हाथ है इसको मरवाने में। बिल्कुल बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है, शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार पुलिस ने मरवाया, वो शहीद है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। मेरा नाम रईस गजनवी है। लेकिन सब कह रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत गलत काम किया है, इसलिए उन्हें गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है। कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था, कोर्ट भी जिम्मेवार है। उनको सजा होता फांसी पर चढ़ा दिया जाता, हम लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन जिस ढंग से उनकी हत्या की गई वो बेहद ही, उनका संविधान और कानून सबकी हत्या हो गई अतीक अहमद के साथ साथ। इसका भी जांच होगा, इसका भी जांच होगा, ठीक है, खत्म किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।